आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वीज़ा ओ वीज़ा में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गमका मेडिकल में एक्सरे का डर दूर कैसे भगा सकते हैं आप, क्यों लोग एक्सरे में ही सबसे ज़्यादा अनफिट आते हैं। ये दोनों बातें हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ में रहती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आज इस वीडियो में दूंगा जो आपके बहुत काम आएंगे। वीडियो ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। जो लोग चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कीजिए। आइए बात करते हैं कि क्यों है लोगों के दिल में गमका का डर सबसे ज़्यादा एक्सरे में, और उस डर को दूर कैसे किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हमारे चैनल वीज़ा ओ वीज़ा पे ज़्यादातर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ गमका के बारे में, जिसमें गमका में कैसे फिट होना है, क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह मेडिकल कराना है, सारी चीज़ें आप वीडियो जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। कुछ लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे चेस्ट एक्सरे चेस्ट एक्सरे चेस्ट एक्सरे, हर किसी को प्रॉब्लम है चेस्ट एक्सरे में, और ऐसा क्यों है और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, क्या करना चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गमका के मेजर 2-3 टेस्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें एक टेस्ट होता है ब्लड और एक होता है एक्सरे। ये जो दो टेस्ट होते हैं ब्लड और एक्सरे, ये सबसे मेन है। इसी में सबसे ज़्यादा अगर आपने निकाल दिया टेस्ट तो समझ लो आपका मेडिकल फिट हो गया। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपकी आईज़ में प्रॉब्लम है, या आपका ब्लड शुगर बोल रहा हूँ, आपका जो है स्किन में कोई प्रॉब्लम है, या HIV है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, एक होता है माइक्रोफिलेरिया जो ब्लड में होता है, और एक होता है आपका चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में मतलब TB का दाग हो गया, या हल्का कोई निमोनिया का दाग हो गया, वो सब एक्सरे की कैटेगरी में आता है, उसे अनफिट कर देते हैं क्लियर, अगर हल्का सा भी दाग होता है। तो ये सब क्यों होता है, ये डॉक्टर जो मेडिकल में बैठे हैं वो लोग ये क्यों करते हैं, और इससे कैसे बचाया जा सकता है। तो वो डॉक्टर जो है, मैंने हर वीडियो में यही बताया है कि अगर आप बाहर मेडिकल कराएंगे वो फिट का ही देंगे, क्योंकि वो पैसे ले रहे हैं और उन्हें आपको दिखाना है कि आप फिट हैं। और जो गमका में करते हैं वो अपनी गवर्नमेंट, जो कुवैत की गवर्नमेंट है, उसके लिए मेडिकल कर रहे हैं। तो उन्हें एक एक चीज़ बारीकी से चेक करनी होती है, तो उसकी तैयारी आपको खुद करके जानी पड़ेगी कि कैसे हम उससे बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों एक्सरे ही क्यों। एक्सरे इसलिए क्योंकि गल्फ कंट्री में जितने भी लोग जाते हैं वो मोस्टली रूरल एरिया से आते हैं, जहाँ पानी की दिक्कत है थोड़ी बहुत, और मिनरल वाटर इजीली अवेलेबल नहीं है। जो मिनरल वाटर पीते हैं उनका चेस्ट ज़्यादातर क्लीन रहता है, अगर वो कोई किसी तरह का नशा या कोई सेवन नहीं कर रहे किसी भी तरह का। तो अगर नशीले पदार्थ का सेवन करेंगे उससे भी आपका चेस्ट पे दाग आ सकता है, जिसमें स्मोकिंग, गुटखा पान, शराब सब कुछ आती है। तो जो लोग रूरल एरिया से आते हैं उनमें पानी अच्छा अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी में प्रॉब्लम है, तो वो उस वजह से भी उनकी प्रॉब्लम रहती है। कुछ निमोनिया या TB पुराना होता है, उसका थोड़ा बहुत निशान होता है, तो वो भी माना जाता है, जबकि कोई बीमारी नहीं है। लेकिन गमका वाले उसे कंसिडर करते हैं, उसे मानते हैं एक बड़ी बीमारी कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी फैल जाएगी। तो ये कुछ उनकी गाइडलाइन है कि इस तरह का बंदा इस तरफ नहीं लेना है, तो उसे अनफिट कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप प्री मेडिकल कराएंगे तो प्री मेडिकल गमका सेंटर से कराएंगे तो रिपोर्ट में कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा अगर गड़बड़ है। अगर कुछ गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को ठीक किया जा सकता है प्री मेडिकल करा के, और 15 दिन 20 दिन 1 महीना जैसी प्रॉब्लम है वैसा हम रुक सकते हैं, और रुकने के बाद फिर हम मेडिकल दोबारा कराएंगे। उसके बाद चांसेस 99% फिट होने के हैं। अगर तब भी चांसेस नहीं बनते तो फिर आप जो है मेडिकल करा के, प्री मेडिकल करा के थोड़ा और लॉन्ग ब्रेक लेंगे, और अपना जो है कोई और कैटेगरी का दोबारा से वीज़ा निकलवा सकते हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए कि आपका वीज़ा आ चुका है और आपका टाइम हो गया ज़्यादा ट्रीटमेंट में, 3 महीने से ज़्यादा ऊपर हो गया, तो आप दूसरा वीज़ा निकाल सकते हैं और दूसरे स्टेट में जाके मेडिकल करा सकते हैं। कई बार पाया गया है कि कुछ लोग, जिन लोगों का मेडिकल मुंबई में अनफिट है, लखनऊ में अनफिट है, और दिल्ली में उन्होंने आए नए वीज़ा निकाल के, तो उनका वहाँ फिट है। तो ऐसा भी, ये भी एक टोटका होता है, या इसे समझ सकते हैं कुछ है। लेकिन कहीं कहीं अलग अलग मशीन्स पे आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बहुत से लोगों का 60-70% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने दूसरे स्टेट में मेडिकल कराया तो उनका फिट हुआ है। एक और तरीका है अपने मेडिकल को बचाने का, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा सेफ रहे, तो कुछ मेडिकल सेंटर ऐसे हैं, दिल्ली में तो हैं, बाकी स्टेट का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन दिल्ली में कुछ मेडिकल सेंटर ऐसे हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीस लेते हैं, और आपकी मेडिकल की जो रिपोर्ट है, मेडिकल का जो ऑनलाइन स्टेटस है, वो नहीं चढ़ाते। वो बोलते हैं कि आप 1 महीने बाद दोबारा ट्राई कीजिए, जब आपकी गमका स्लिप एक्सपायर हो जाए तो आप दोबारा ट्राई कीजिए, शायद तब फिट आ जाए आपका। तो एक वो रिलीफ देते हैं, तो दो फायदे की चीज़ है। कुछ आधे मेडिकल सेंटर शायद दिल्ली में ऐसे हैं जो इस तरह का रिलीफ देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और वो रिकॉर्ड नहीं चढ़ाते और अपने पास से काट के उन्हें रिमूव कर देते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, 21 दिन 20 दिन या जितने भी दिन का
कोर्स हो दवाई का वो लीजिए, और उसके बाद आपकी जैसे ही गम का स्लीप एक्सपायर होती है तभी आप दोबारा से मेडिकल करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको एक्सरे का डर निकालने के लिए काफ़ी है कि आपको एक तो एक्स्ट्रा पे करके, जैसे अगर 5,000 का मेडिकल है 8,000 पे करेंगे तो आपको वीज़ा सेफ हो रहा है, आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं चल रहा। दूसरा, आपको जो है एक्सरे के डर से पहले प्री मेडिकल कराना है, प्री मेडिकल कराएंगे उसमें कोई डाउट है तो उससे पहले आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये काफ़ी आपके एक्सरे के डर को भगाने के लिए, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ इससे, इस तरह से करने से, बिना सोचे समझे डायरेक्ट जल्दी की बाजी में मेडिकल करा के अनफिट होने से अच्छा है कि आप थोड़ा सब्र करें, कुछ दिन दवाई खाएं, अपने घर वापस जाएं, अच्छा पानी पिएं, नारियल पानी पिएं, और फिर दोबारा आके मेडिकल कराएं ताकि आपको फ़िट होने की गारंटी मिल सके। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो ये है कि हमारे यहाँ पर भी गमका की ऑनलाइन स्लिप काटी जाती है। अगर आपको गमका ऑनलाइन कराना है या PCC ऑनलाइन कराना है, वीज़ा स्टैम्प कराना है, सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे हमारी डिटेल आ रही होगी आपके पास। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। एक्सरे के बारे में कुछ भी हो आप पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल और कॉमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग वीडियो में, ट्रैवल अपडेट या मेडिकल से रिलेटेड। तब तक के लिए गुड बाय, बात करेंगे दोबारा किसी दिन इंशाल्लाह।